गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ISD फैंटेसी प्रेडिक्शन में। आज हम जिस मैच के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है क्योंकि ये क्वालिफायर के लिए इंपॉर्टेंट मैच है। दो टीम मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ में 54वां मैच है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होगा और जो भी जीतेगा वो पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर पहुंच जाएगा। 7:30 बजे मुकाबला होगा शाम को। वानखेड़े स्टेडियम का स्कोर रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे जिसने पहले बैटिंग करी है वो 4 मैच जीती है और जिसने सेकंड बैटिंग करी है वो 5 बार जीती है। और जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का वो 185 रन का है और सेकंड इनिंग का 174 रन का है। तो यहाँ पे हाई स्कोर मैच देखने को मिल सकता है आपको। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 240 रन बन चुके हैं 3 विकेट खोकर और लोवेस्ट टोटल यहाँ का 160 है, 160 पे ऑल आउट। तो यहाँ पे आपको 170, 180, 190 या 200 प्लस भी स्कोर देखने को मिल सकता है, जैसे कि लास्ट मैचेस में देखा है। हाईएस्ट चेज यहाँ पे 230 रन हो चुका है, 230 रन चेज हो चुका है और लोवेस्ट डिफेंड 143 रन डिफेंड कर रहा है। मुंबई का हेड टू हेड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है आरसीबी के सामने। मुंबई ने 17 मैच जीते हैं, वहीं आरसीबी ने केवल 14 मैच जीते हैं। लास्ट हेड टू हेड जब इनके बीच में हुआ था 2 तारीख को, तो मुंबई ने 171 रन बनाए थे 7 विकेट खोकर 20 ओवर में, तो आरसीबी ने 172 रन बना लिए थे 2 विकेट खोकर 16.2 में। आरसीबी ने 8 विकेट से मैच जीत लिया था, स्पिनर्स को 3 और पेसर्स को 6 विकेट मिले थे उस मैच में। इस वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में 4-5 मैच हो चुके हैं जिसमें राजस्थान और मुंबई के बीच में हुआ था, तो राजस्थान ने 212 रन टारगेट बनाया था 7 विकेट खोकर, तो मुंबई ने वो टारगेट चेस कर लिया था। 214 रन बना लिए थे 4 विकेट खोकर, मुंबई ने 6 विकेट से मैच जीत हासिल की थी जिसमें सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी। स्पिनर्स को 4 और पेसर्स को 7 विकेट मिले थे इस मैच में। एक मैच हुआ था पंजाब और मुंबई के बीच में, ये भी हाई स्कोरिंग मैच था। पंजाब ने 214 रन ही बनाए थे 8 विकेट खोकर, वहीं मुंबई 201 रन ही बना पाई थी। पंजाब यहां 13 रन से जीत हासिल की थी, स्पिनर्स को 3 और पेसर्स को 10 विकेट मिले थे। एक मुकाबला हुआ था केकेआर मुंबई के बीच, केकेआर ने 185 रन बनाए थे 6 विकेट खोकर, मुंबई ने ये रन चेस कर लिए थे, 186 रन बना लिए थे 5 विकेट खोकर, 5 विकेट से जीत हासिल की थी, स्पिनर्स को 6 पेसर्स को 5 विकेट मिले थे। मुंबई और सीएसके का मैच हुआ तो मुंबई ने 157 रन बनाए थे 8 विकेट खोकर, सीएसके ने 159 रन बना लिए थे 3 विकेट खोकर 18.1 में। चेन्नई 7 विकेट से जीत हासिल की थी, स्पिनर्स को 4 और पेसर्स को केवल 4 विकेट मिले थे। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से रहेगी। रोहित शर्मा आपको 1 डाउन भी दिखाई दे सकते हैं जैसे लास्ट मैच में किया था। अगर वो ओपन करने आते हैं तो ईशान किशन रहेंगे, अदरवाइज कैमरन ग्रीन ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड, त्रिस्तान स्टब्स ये आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, पिछले मैच में विकेट भी निकाला हुआ है। निहाल वदेरा लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी और बहुत ही शानदार, अगर बैटिंग आती तो ये अपने आप की काबिलियत दिखा देते हैं। यंगस्टर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अगर बैटिंग आती है तो ये भी आपको जीएल में जितवा सकता है। जोफ्रा आर्चर, अरशद खान, पीयूष चावला, आकाश मधवर और राघव गोयल ये इनका डेब्यूट है। पिछला मुकाबला था, बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, विकेट लेस रहे थे, बट मुझे लग रहा है कि इस मैच में अगर विकेट मिलेगा तो मिल सकता है। आरसीबी की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से होगी। विराट के साथ में फाफ टू प्लेसिस ओपन करते हुए नजर आएंगे और दोनों ही अपने टीम के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इन दोनों के ही रन आरसीबी की तरफ से सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद में महिपाल लामरोत, पिछला मैच में अच्छी बहुत तेज रफ्तार से हाफ सेंचुरी मारी थी। ग्लेन मैक्सवेल है, लास्ट मैच फ्लॉप रहे बट ये भी काबिलियत रखते हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन और बैटिंग पिच है तो यहाँ पे टॉप 4 को लेना जरूरी है। उसके बाद अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, केदार जादव, वनिंदो हजरंगा, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, करण शर्मा, हैजलवुड, ठीक है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में आरसीबी है 5वें नंबर पे, 10 मैच में 5 जीती है, 5 हारी है। नेट रन रेट उनका ठीक है, इस वजह से 5वें पोजीशन पे है 10 पॉइंट के साथ में। लास्ट मुकाबला ये हारी है, उससे पहले जीती है, फिर उसके बाद हारी है और पिछले 5 मुकाबलों में केवल 2 ही जीत मिली है। मुंबई इंडियंस की बात करें तो 10 मुकाबले के लिए 5 जीती है, 5 हारी, नेट रन रेट आरसीबी से कम है इसलिए 6वें पोजीशन पर 10 पॉइंट के साथ में। ये 5 में से ये भी 2 मैच जीती है, 3 हारी है। बात करते हैं कि हमारी टीम में कौन कौन से प्लेयर रहेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप खेलना चाहते हैं जीएल और हेड टू हेड तो मेरे हिसाब से आप खेलिए जीएल हेड टू हेड, वो भी विजन 11 पे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म चार्ज भी आपको कम देना पड़ेगा और लेस कंपटीशन के साथ में आपको जीतने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे।
तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 से मैं कौन से खिलाड़ी उठाऊंगा, आरसीबी प्लेइंग 11 से कौन से खिलाड़ी उठाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। ईशान किशन आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके से इन्होंने लास्ट मैच में 70 प्लस रन मारे थे, तो मुझे लग रहा है इस मैच बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। और डीके जो है वो बहुत नीचे आते हैं बैटिंग में और मुझे नहीं लग रहा है उनकी बैटिंग इतनी आ पाएगी, तो ईशान किशन सेफ रहेगा। टिस्टान स्टप पे आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं जो कि विकेट कीपर में ही दिख रहे हैं। टी स्टप्स आपको इम्पॉर्टेंट क्योंकि हार्ड हिटर बैट्समैन है और यहाँ पे हिटिंग करके भी पॉइंट दे सकते हैं और मे भी हो सकता है रोहित शर्मा इनसे बॉलिंग भी करवा लें जैसा पिछले मुकाबले में हुआ। उसके बाद फाफ डू प्लेसी, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ये तीन इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। उसके बाद में आप रोहित शर्मा पे रिस्क ले सकते हैं और महिपाल लामरॉड पे रिस्क ले सकते हैं, ये आपको जीएम में पिक करना है। महिपाल लामरॉड आपको वन डाउन या टू डाउन नजर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल के बाद में, तो ये आपको अच्छा पिक दे सकता है। बैटिंग पिच है तो डेफिनेटली आप लामरॉड के साथ में जा सकते हैं। उसके बाद में बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो कैमरन ग्रीन आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, प्लस चार ओवर बॉलिंग भी करेंगे तो इनको पिक करना है। वह ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग वन डाउन आएंगे तो ये आपके लिए अच्छा पिक रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बॉलिंग में आते हैं, पीयूष चावला को यहाँ विकेट मिल सकता है जैसे कि लास्ट मैचेस में मिले हैं। मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल और जोफ्रा आर्चर के साथ में आप जा सकते हैं जिनको डेथ में विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, डेथ में बॉलिंग अच्छी होती है और कैचेस ज़्यादा उठते हैं, तो मुझे लग रहा है कि डेथ में बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है, विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन में पिक रहने वाले सूर्य कुमार यादव, अच्छा पिक रहने वाला है जीएल का। फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली, अच्छा पिक रहने वाला हेड टू हेड मैच कैप्टन वाइस कैप्टन का। कैमरन ग्रीन को भी आप ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन क्योंकि ये चार ओवर प्लस ओपन में बैटिंग करने आएंगे, तो ये आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं इनके साथ में और विराट कोहली के साथ में आप जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हेड टू हेड की टीम रहेगी मेरी, बाकी कोई चेंजेस होता तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। हेड टू हेड की टीम, स्मॉल लीग की टीम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आईएसडी फैंटेसी प्रेडिक्शन नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए, क्लिक करिए और जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको स्मॉल लीग जीएल टीम सारी मिल जाएंगे, कॉपी करके आप लगा सकते हैं। बाकी लाइव मैचेस के प्रेडिक्शन की बात करूँ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रेडिक्ट टू विन चैनल, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करिए, चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे लाइव प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता हूँ। जैसे क्वेश्चन आता है कि ये मैच मुंबई जीतेगा आरसीबी जीतेगा, मैं मुंबई पे यस करूँगा नो करूँगा, वो आपको प्रेडिक्शन वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप यस नो करके काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं बल्लेबाजी प्रेडिक्टर पे, प्रोबो पे, ट्रावो पे, जहाँ पे भी आप खेलते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बाकी ऐसे मैच की वीडियो आप आती रहेंगी चैनल पर, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।